वहीं सपा के विधानसभा में मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने शीतकालीन सत्र समय से पहले स्थगित करने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए। मनोज पांडे ने कहा कि यूपी का सबसे छोटा बजट सत्र में चलाया गया है और कई विषयों पर चर्चा होनी थी मगर मंगलवार को अचानक से सदन को स्थगित कर दिया गया। यूपी में हुए 3 उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या की गई है। रामपुर में बुजुर्ग और महिलाओं को मारा पीटा गया, लोगों को वोट डालने से रोका गया। मनोज पांडे ने कहा है कि 9 महीने बीत जाने के बाद भी यूपी विधानसभा की कमेटियों का गठन नहीं हो सका है। सदन की कार्यवाही में खानापूर्ति जैसी रस्म अदायगी की जा रही है। जहां तीनों क्षेत्रों में जिस तरीके से लोकतंत्र का सबसे महापर्व माना जाता है मतदान चुनाव, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए, मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव हुआ हम सबके नेता आदरणीय नेताजी के न रहने के बाद, रामपुर का विधानसभा का चुनाव हुआ और खतौली में उपचुनाव हुआ, हम समझते हैं कि इस चुनाव में जहां तीनों क्षेत्रों में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई उसमें रामपुर में तो पराकाष्ठा पार हो गई। सवाल आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन जो दृश्य देखने को मिले रामपुर में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में कि बुजुर्ग लोग वोट डालने जा रहे हैं, तो आज हम कह सकते हैं कि जिस लोकतंत्र के महापर्व का हम आप जिक्र करते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो रामपुर का ही नहीं देश भर का जो मतदाता है, उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है, आज वो शंकित है, चिंतित है और दुखी है कि इस महापर्व में उसको जबरन रोका जा रहा है। और इसलिए आज हम कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के हमारे सारे पुराने नेता से लेकर हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी, वो लोकतंत्र पर विश्वास रखती है।